साथियों, आज मैं आपको दिखाता हूँ मधुमक्खी पालन किस तरीके से होता है। देखिए, ये है चाना क्षेत्र और यहाँ पर देखिए पूरे डिब्बे डिब्बे लगे हुए मधुमक्खी के, और यहाँ पर जो है मक्खियों को जो है पाला जा रहा है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर देखिए कितनी बढ़िया, देखिए मक्खियां ग्रोथ कर रही हैं, सारी की सारी जिंदा हैं। और देखिए ये सारी प्लेट लगा के रखी हुई हैं और इनमें शहद भी है और लार्वा भी बढ़ रहा है। ये देखिए किसान भाइयों, सारी मक्खियां, और देखिए ये लार्वा है, ये जो नजर आ रहा है आपको धब्बे धब्बे से, और यहाँ आगे जो शहद बनना शुरू हो जाएगा इधर, अभी जो है थोड़ा समय लग रहा है। ये 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 जी, ये जो पोर्शन है ये शहद का है, इसमें शहद भरा हुआ है और लार्वा जो है यहाँ पर है और मक्खियों का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मक्खियां हैं इनके काटने से डरने की बात नहीं है, काट लेती हैं तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी जो ठीक हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो भी मधुमक्खी के काटने से सही हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और देखिए यहाँ सारे में मैं आपको और दिखाता हूँ, इधर आइए, ये देखिए सारे में डिब्बे लगा कर रखे हुए हैं और बड़े ही अच्छे ऊंचे स्तर पर जो है मधुमक्खियों का काम हो रहा है। इसमें रानी पैदा होती है इस वाले। अच्छा, ये सेल जो बनता है इसमें रानी पैदा होती है। नहीं दिखाओ जरा, ये रानी सेल है। अच्छा, रानी सेल है। हाँ, ये रानी, इसमें रानी पैदा, इसमें रानी, उंगली रख रहा हूँ मुझे। इस डब्बे की रानी पुरानी हो गई होगी, इसलिए रानी, ये मक्खी दोबारा से रानी पैदा करने के लिए अच्छा सेल तैयार कर रही है, और इसी में से अंडा निकाल करके इसमें डाल देंगे। अच्छा, और इसी से रानी तैयार हो जाएगी। दर पहुंच गई है दोस्तों, मैं अब आपको रानी मक्खी दिखाता हूँ। ये जो है ये रानी मक्खी है, ये वाली जो अच्छा, उधर चली गई। हाँ, अंदर की कोई अलग ही होती है, मोटी होती है, एक ही होती है ये पूरे डब्बे में। देखो ये आई दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग मित्रा को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।